हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन योर चैनल टेक्नोगुरु। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट हरी कंबोज। ये मेरा चैनल, आप यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बेल आइकन को क्लिक करके आप नोटिफिकेशन इनेबल करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे चैनल की वो मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो मेरे नए दोस्त, जो मेरे नए यूट्यूबर भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो नए जिन्होंने अपना नया नया यूट्यूब चैनल क्रिएट कराया, उन बंदों के ये क्वेश्चन होते हैं, आम ही ये क्वेश्चन होते हैं कि यार वो यूट्यूब पे अपनी वीडियो तो अपलोड कर देते हैं, वीडियो तो उन्होंने बहुत सारी अपलोड कर दी हैं, लेकिन उनको देखने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, मतलब उनके व्यूज कम रह रहे हैं। सभी को पता है कि हमें जो वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है उनको शेयर तो करना ही पड़ेगा। अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है तो लोग उस पर आपके यूट्यूब वीडियो को सर्च करके अपने आप आएंगे, लेकिन वो सर्च आपकी वीडियो को कैसे करेंगे, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो बंदा आपकी वीडियो को देखने के लिए YouTube पे आ रहा है वो आपकी वीडियो कैसे सर्च करेगा। ये काफी सारे लोगों के माइंड में रहता है कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा वीडियो अपलोड करने जा रहा है, एक वीडियो बना रहा है कि हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन YouTube। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो क्रिएट करी है कि YouTube के ऊपर वीडियो कैसे अपलोड करें इस कंटेंट के ऊपर, इस मैटर के ऊपर, तो आपने क्या, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यार वो YouTube पे जाते हैं और सर्च करते हैं कि यार ऐसे वाला हेडिंग में देखता हूँ किस किस वीडियो का है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ये देखिए, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन YouTube, तो वो क्या करते हैं हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये देखिए मनोज दे की जो चैनल, सभी लोग इसके इनसे वाकिफ होंगे, जैसे वो क्या करते हैं इसके हेडिंग को कॉपी कर लेंगे, राइट, इसके हेडिंग को कॉपी कर लेंगे, जहां तो लास्ट वाला ये जो मैटर है ये वाला आगे चिपका देंगे और ये वाला पीछे चिपका देंगे। भाई ऐसे व्यू नहीं आते। अगर आप उनकी वीडियो का हेडिंग अपनी वीडियो में डालेंगे और सेम चीज कोई बंदा YouTube पे सर्च करेगा तो उनकी ही वीडियो सबसे ऊपर आएगी, ना कि आपकी, बिकॉज उनकी वीडियो पुरानी है, उनकी वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर 241K व्यूज आ चुके हैं, मतलब YouTube सर्च इंजन के अंदर उनकी वीडियो ऑप्टिमाइज हो चुकी है, वो उनका जो वीडियो है वो सबसे ऊपर ही आएगा, जो आपकी वीडियो है वो सबसे नीचे आएगी। तो इसको ऊपर लाने का और क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके लिए क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चाहते हैं कि यार इसी वीडियो से जैसे इनके व्यू है वैसे ही मैंने अपने व्यू लेके आने हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉपी करना है, यहाँ से आपने कॉपी करनी है ये वाली, आपने लिंक कॉपी करना है, इसकी वीडियो का जो लिंक है वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने एक वेबसाइट है, देखिए ytubetool.com, ये एक वीडियो है, यहां से आपने क्या करना है यूट्यूब के अंदर से उसके टैग जो है वो ढूंढने हैं कि उसने वीडियो के अंदर टैग क्या क्या डाले हुए हैं, उसने कीवर्ड क्या क्या डाले हुए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है आई एम नॉट अ रोबोट, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो वो आपको फेच करके देगा कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टैग्स हैं जो डले हुए हैं, जो आप अपनी वीडियो में डालेंगे और उसके बाद जाके आपको अपनी वीडियो जो है सबसे ऊपर शो होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे रिजल्ट्स के अंदर आ रहा है लिस्ट ऑफ टैग्स फाउंड, यहाँ पर इस बंदे ने क्या क्या उसके अंदर डाले हैं, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, यूट्यूब टिप्स, यूट्यूब वीडियो अपलोड कैसे करें, देखिए उसने हिंदी भी यहाँ पर लिखी हुई है, हिंदी को इंग्लिश में टाइप करा है, यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, यूट्यूब वीडियो अपलोड यूट्यूब वीडियो मनोज दे। उसके बाद उसने टेक्स्ट एरिया में भी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है वहां पर भी उसने सेम कीवर्ड जो है वो डाले हुए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ही चैनल पे, ये देखिए मेरी कुछ वीडियोज हैं, तो जैसे ये वीडियो है फॉर एग्जाम्पल मैं इसको खोलता हूँ, मैंने अपनी वीडियो खोली, यहाँ पर ये देखिए मैंने जो इसका टाइटल क्या रखा है, ये वीडियो मैंने टॉपिक बनाया है कि अगर आप अपनी डोमेन, अपनी ब्लॉग बनाना चाहते हैं जीरो होस्टिंग पे, जीरो रुपीज इन्वेस्ट करके तो आप कैसे बनाएं, उसके अंदर देखिए मैंने टाइटल क्या लिखा है, लाइफ टाइम फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग, फ्री वेबसाइट क्रिएटर, क्रिएटर ब्लॉग, क्रिएट ब्लॉग विदाउट टेक्निकल स्किल्स। तो ये देखिए हेडिंग के अंदर सब कुछ क्लियर है। उसके बाद देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सेम चीज मैंने लिखी है, लेकिन मैंने यहाँ पर डाला है जो मेन मेन मेरे वीडियो के अंदर जो कंटेंट है उसके कीवर्ड्स। ये देखिए फ्री वेबसाइट क्रिएटर, फ्री SSL सर्टिफिकेट, हाउ हियर इज स्टेप टू स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। तो देखिए यहाँ पर नीचे मैंने क्या करा है, एक बंडल ऑफ कीवर्ड्स, मतलब एक पूरे का पूरा कीवर्ड का पैरा बना के मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कंटेंट कवर यहाँ पर मैंने लिखा है हाउ टू गेट फ्री डोमेन, हाउ टू रजिस्टर फ्री डोमेन, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट फ्री, हाउ टू, यहाँ पर ये मैंने स्पेलिंग गलत कर दिए थे, चेंज कर देता हूँ अभी, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग फ्री, हाउ टू क्रिएट व्लॉग फ्री, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट विदाउट टेक्निकल स्किल्स, या विद टेक्निकल स्किल्स लिख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट इन हरी, जल्दी जल्दी कैसे वेबसाइट बनाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो कीवर्ड्स का एक बंडल डाल दिया है ना, उसकी वजह से कोई भी इनमें से एक दो कीवर्ड सर्च होंगे तो मेरी जो वीडियो है वो ऊपर आएगी ही आएगी।
सो फ्रेंड ये मेरी वीडियो बनाने का टॉपिक था। अब मैं देखिए आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे मैंने अपनी वीडियो का लिंक कॉपी करा, मैं लेके चलता हूँ आपको उसी टैग जनरेटर के अंदर। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ अपनी वीडियो का लिंक, ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। मैंने फिर यहाँ पर क्लिक कर दिया आई एम नॉट अ रॉबोट। अभी मैंने सर्च हो रहे हैं मेरी वीडियो के कीवर्ड्स। ये देखिए मेरी वीडियो के ये कीवर्ड्स हैं, ये मेरे कीवर्ड्स हैं जो मैंने नीचे कीवर्ड्स में डाले हुए हैं। जैसे आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो टैग्स का एरिया होता है, यहाँ पर जो मैंने कीवर्ड डाले हुए हैं ये वो वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर हाउ टू गेट फ्री डोमेन, हाउ टू रजिस्टर फ्री डोमेन, स्टेप बाय स्टेप गाइड, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए लास्ट वाला यही था वहां पर, ठीक है। तो ये सारे मेरे वहां पर जो कीवर्ड्स थे जो टैग्स के अंदर डाले थे वो वाले आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और एरिया उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि टेक्स्ट एरिया में आपने कौन कौन से कीवर्ड्स डाले हुए हैं। ये देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में जो आपको मैंने दिखाया वहां पर भी मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स डाले हुए हैं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर क्या करके रखा है, देखिए इस वीडियो पे मेरी व्यूज तो आएंगे क्योंकि मैंने कीवर्ड्स ऐसे डाले हुए हैं, सर्च करने के बाद मेरी वीडियो सर्च हो ही जाएगी। उसके बाद मैंने देखिए अपने ब्लॉग का यहाँ पर लिंक दिया है, ये मेरा ब्लॉग है, कोई बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा तो मेरे ब्लॉग पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन, देखिए यहाँ पर मेरा ब्लॉग है, इसके साथ साथ मेरी वीडियो पे ट्रैफिक आने के साथ साथ मेरे ब्लॉग पे भी ट्रैफिक आएगी। उसके बाद देखिए फॉलो अप ऑन माय ऑन मी ऑन फेसबुक, यहाँ पर मैं आपको फेसबुक का लिंक खोल के दिखाता हूँ जो मैंने अपनी वीडियो के नीचे लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मेरी फेसबुक का पेज खुलेगा, ये मेरा फेसबुक का पेज खुल गया है। लोग यहाँ पर आएंगे तो लाइक करेंगे। उसके बाद देखिए क्या, मैं सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, क्या यार आपने अपने यूट्यूब चैनल का ऐसे वाला सब्सक्राइब करने का लिंक बनाया है? देखिए ये बहुत ही जबरदस्त एक लिंक है। देखिए जब भी कोई बंदा मेरे इस लिंक पे क्लिक करेगा वो खुद पूछेगा कि यार इसको सब्सक्राइब कर लो, पॉपअप आएगा आपके सामने, ये देखिए एक सब्सक्राइब करने का। ये काफी कम लोगों को पता है, ज्यादातर लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो इसको फायदेमंद नहीं समझते। लेकिन देखिए जो बंदा एक फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर हूँ, आपकी वीडियो का लिंक मेरे पास आया, ये वाला नहीं आएगा, मेरे पास यहाँ पर ऐसे लिंक खुलेगा, मैं यहाँ से सब्सक्राइब करने के लिए ढूंढूंगा तो फिर जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट। तो लेकिन उस बंदे के पास अगर वो पॉपअप सामने खुल जाएगा, उसने क्या करना है, सिर्फ इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरा यहाँ पर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं इसका ऑनर हूँ, तो मेरा ये ऑलरेडी सब्सक्राइब है। यू मे नॉट सब्सक्राइब यूर सेल्फ, मैं अपने आप को सब्सक्राइब नहीं कर पाऊंगा यहाँ से, तो ये ऐसे पॉपअप आएगा। तो यार ये भी आप लगाइए, ये भी आपकी वीडियो पे आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स लाने का एक जबरदस्त तरीका है। इसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी से सब्सक्राइब करवाना है तो उसको लिंक सेंड करिए, वो खोलेगा डायरेक्टली पॉपअप आ जाएगा, पॉपअप के ऊपर सिर्फ सब्सक्राइब क्लिक करना है बस उसने, तो आपका जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। सबसे इजी स्टेप है। सो फ्रेंड ये थी बेसिक चीजें जिनको प्लीज आप ध्यान में रखिएगा जब भी आपने वीडियो अपलोड करनी है अपने यूट्यूब चैनल पे। उससे क्या होगा, मैं ये तो नहीं कहता कि यार आपकी वीडियो एकदम से मिलियंस व्यू हो जाएंगे, लेकिन ऐसे व्यूज आएंगे जो यूनिक उस कंटेंट को सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो वहां से जो आपको ट्रैफिक आएगी वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगी, उसको आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो आपके चैनल पे बार बार आएगा, आपकी वीडियोस देखने के लिए वो बार बार आएगा। सो फ्रेंड्स ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो आप अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करते समय प्लीज ट्राई करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिस बंदे को इस वीडियो की जरूरत है उसको प्लीज ये लिंक शेयर करिएगा। So thanks for watching this video friends, bye bye.